हिमाचल कमांडो आर के दैया आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं पे जो बेरोजगारी का प्रश्न चिन्ह लगा रहता है उसके बारे में बताऊंगा। क्यों वो प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, क्यों वो प्रश्न चिन्ह नहीं हटता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कमजोरी की वजह से वो बेरोजगारी का प्रश्न चिन्ह है, वो हटता नहीं है। हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम मैट्रिक पास करते हैं। मैट्रिक पास करने के बाद में हम 11th और 12th में चला जाता है। 12th पास करने के बाद भी हमारे ऊपर बेरोजगारी का प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। उसके बाद में हम सोचते हैं चलो ग्रेजुएशन कर लेते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी हमारे ऊपर बेरोजगारी का प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। फिर पेरेंट्स क्या सोचते हैं, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो बच्चे की मैरिज कर देते हैं, शादी कर देते हैं और फिर बेरोजगारी का प्रश्न चिन्ह लगा रहता है और परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती रहती है। हमें सबसे पहले मैट्रिक 10वीं पास करते ही अपना कैरियर चुन लेना चाहिए। किस फील्ड में जाना है, सिविल फील्ड में जाना है या फोर्सेज के अंदर जाना है, आर्मी फोर्सेज है उनके अंदर जाना है या बिजनेस के अंदर जाना है। तो मैं हिंदुस्तान के अंदर 60 से भी ऊपर सर्विसेज डिपार्टमेंट है, जैसे आर्मी, उसके बाद में ग्राम सेवक, पटवारी, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, तरह तरह के डिपार्टमेंट है। आपको चुनना 10th में ही पड़ेगा। 10th पास करते ही आपका फोकस एक जगह हो जाना चाहिए। यदि आपको बेरोजगारी का प्रश्न चिन्ह हटाना है तो एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जिस बच्चे को एनडीए या एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम क्लियर करने हैं वो मैट्रिक पास करते ही अपना मेडिकल चेकअप कराएं और देखें कि क्या मुझे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर मेडिकल फिटनेस का बिल्कुल पूरा बेनिफिट मिलेगा। यदि मेडिकल फिट नहीं है तो उस बच्चे को तैयारी नहीं करनी चाहिए। जैसे कुछ पॉइंट परमानेंट होते हैं वो पॉइंट आपके हट नहीं सकते। मेडिकल चेकअप होने के बाद में आपको जुड़ जाना चाहिए और आपको एज का क्राइटेरिया पता होना चाहिए, कौन सी सर्विस की। 16.5 साल का बच्चा एनडीए का एग्जाम दे सकता है, लेकिन एग्जाम देने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए 19.5 ईयर ही आपको मिलते हैं, तो उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू दोस्तों। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आर्मी से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करें, कमेंट्स बॉक्स के अंदर हम आपका उसको पक्का रिप्लाई देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।